थैंक यू आपको। पहला दिन है जी, गणेश जी जब भी घर में आते हैं रौनक सा आ जाता है जी। इस बार क्या आपने भी अपने घर पे गणपति लाई है और क्या मनोकामना आपने मांगी है? कि मैं अपने घर पे गणपति को नहीं लाई हूँ, लेकिन मैं मेरे सबसे फेवरेट भगवान जी हैं एंड मैं रोज़ इनकी पूजा करती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ हमेशा रहते हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने भाइयों के घर पे आई हूँ एंड उनके नए घर पे आई हूँ। इतनी मेहनत से, इतने सालों की मेहनत के बाद अपना घर लिया है एंड तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस डे। सो आई प्रे दैट और अच्छी खुशियाँ बांटे गानों के थ्रू एंड अच्छी मैसेजेस बांटे एंड थैंक यू फॉर एवरी वन टू सपोर्ट अस। इको फ्रेंडली गणपति को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं और क्या अपने लोगों से कहना चाहेंगे? आई थिंक इको फ्रेंडली गणपति ही नहीं, आई थिंक इको फ्रेंडली हर चीज़ होनी चाहिए। जिस तरीके से आजकल मैंने एक पूरी कैंपेन करी थी प्लास्टिक के अगेंस्ट एंड आई होप दैट धीरे 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 हमारे देश के सारे ही नागरिक इको फ्रेंडली होते जाएं, बिकॉज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है एंड दैट्स व्हाट आई'ड लाइक टू से दैट आई थिंक। बट आई थिंक हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं दैट हम आगे बढ़ें एंड हमारा देश इको फ्रेंडली होता जाए। क्या मांगा इस बार? बस मैं चाहती हूँ दैट बस मन की शांति रहे, इतनी बस स्ट्रेंथ रहे कि जो भी करें वो स्थिर होके करें। और आपको कोई गाने आने वाले हैं? मीट ब्रदर्स का ये आपका गाना होता काफ़ी लोगों ने पसंद किया और इसके आगे भी जी? मेरा 18 सितंबर को एक बहुत बड़ा गाना आ रहा है, नाम है चीटर मोहन। सो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, अभी 5 दिन बचे हैं, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। मैंने खुद ही बनाया ये गाना एंड बहुत एक्साइटेड भी हूँ। सो आई होप दैट सबको बहुत पसंद आए एंड सुन के फिर बताइएगा आपको कैसे लगा। थैंक यू। गणपति का पहला दिन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपके नए घर। थैंक यू सो मच। कितना वक्त बन रहा है जो नंबर प्लेट पढ़ रहा था उसको कितना वक्त? फर्स्ट ऑफ ऑल इस घर को बनने में हम लोग को सर 20 साल लग गए इस घर को बनाने में। दोनों भाई लगे हुए थे, आए थे हम लोग 100-100 किलो के थे, ट्रेन में आए थे पंजाब मेल में ग्वालियर से मध्य प्रदेश से और अपना रास्ता ढूंढ रहे थे कि हमारा घर कहाँ पे है और कभी लोखंडवाला में कभी सात बंगला में। हम लोगों ने बड़े घर बदले, 11 घर बदले और रेंट पे रह रह के फिर हमारे पिताजी ने बस ये कहा घमंड मत करो और साथ में रहो, तो वो फॉर्मूला हमने अपनाया और ऊपर वाले ने फिर बस इस घर को दिया जिसको बनने में 8 महीने लगे। गणपति जी का कितना हाथ है इसमें, मतलब कितने मानते हैं आप गणपति जी को? ये एक्चुअली जो कुछ भी हो रहा है सब उन्हीं की वजह से है और जब से हमारे घरानों में शुरू किया तब से हमारी जिंदगियां बदल गई, बहुत सारे बेबी डॉल्स आ गए ज़िंदगी में। तो ईश्वर को मान के, एक पावर को मान के चलना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आपको ये हर इंसान के बस में ये नहीं होता कि वो कुछ भी कर सके, कोई ना कोई पावर होती है जो आपको सपोर्ट करती है और हम लोग को ये विश्वास है कि गणपति जी का बहुत हार रोल है हमारी लाइफ में। फादर कितने प्राउड फील हैं आज, कितना उनके चेहरे से खुशी से ही लग रहा है कि और बहुत ज़्यादा। हाँ, हमारे घर के जैसे हर परिवार की एक ट्रेडिशन होता है, एक बिलीफ होता है, हमारा यही मानना है कि गणपति जी ने हमारे माँ बाप को यहाँ भेजा इस धरती पर और उनकी वजह से हम पैदा हुए, तो इवेंचुअली उनकी वजह से हो रहा है सब और वो बहुत खुश है कि जो हमारी जो मेहनत है वो आज यू नो रंग ला रही है और लोग प्यार करते हैं। मेहनत मतलब सिर्फ नाम और म्यूज़िक से नहीं कह रहे, प्यार सबसे इम्पोर्टेंट है, फैमिली और ये भी है कि सिर्फ काम वाले नहीं, हम मीडिया का भी बहुत प्यार रहा है। आज तक हम लोग 20 साल से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और हमेशा एक पॉजिटिव हमें वाइब्रेशन आया है मीडिया के साथ, तो हमारा एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है बॉलीवुड के साथ, एक ऐसा प्यार है कि कोई और बिजनेस करने का मन नहीं करता, बस करता है जो करें एंटरटेनमेंट में करें और सब गणपति जी और माँ बाप के आशीर्वाद से। वाइफ का कितना हाथ होता है एक हस्बैंड के सक्सेस में? देखिए 50% पार्टनरशिप होती है वाइफ के साथ क्योंकि क्योंकि वो घर को अपने बच्चों को और एक आपको संभाल के एक ज़िंदगी बनाती हैं, तभी आप काम पे ध्यान लगा सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता आदमी कि मैंने खुद किया और इसलिए 50% पार्टनर होती हैं वाइफ क्योंकि
अगर वो बाकी चीज़ें ना देखें तो आप ये नहीं कर सकते, तो और अगर हम ये ना करें तो फिर वो उनको भी ये नहीं मिलेगा जो हम कर रहे हैं। तो ये ईश्वर ने सृष्टि रची ऐसी है कि इसमें जो एक फैमिली होती है उसमें जो मेन जो दो किरदार होते हैं वो आधे आधे होते हैं, मियाँ और बीवी, और वो दोनों जब तक एक साथ अपना अपना काम ठीक से नहीं करते तो फैमिली में भी सक्सेस नहीं आता है। तो दोनों 50% पर यू थिंक कि जैसे आपने कहा कि काफ़ी वक्त लग गया इस घर को बनाने में, यू थिंक बॉलीवुड में सिंगर्स को लेकर काफ़ी मेहनत या फिर इस तरह का मुकाम हासिल करना काफ़ी मुश्किल भी लगता है कहीं ना कहीं, चाहे वो एक्टर होता तो इस तरह का घर कहीं बहुत ही जल्द हासिल कर लेता। देखिए उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में तो क्या तानसेन का देश है, ये सरस्वती माँ की कृपा है सबके ऊपर, लेकिन जो एक जो एरा है जो समय है जिसमें पायरेसी बहुत होती है उसकी वजह से यस सिंगर्स को म्यूजिशियंस को टाइम लगता है यहाँ पे अपना मुकाम बनाने में पैसा कमाने में, और इसके लिए तो हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत बिकॉज म्यूज़िक को बहुत शायद इतना सीरियसली लिया नहीं गया, तो हम तो चाहते हैं मीडिया के थ्रू मोदी गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन ले कि जो हमारे इतने टैलेंटेड म्यूजिशियन जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नाम कमा सकते हैं उनके गानों की रॉयल्टीज़ मिलती नहीं है उनको, वो रॉयल्टीज़ जो है पायरेसी में और फ्री डाउनलोड में चली जाती है। तो नहीं तो आज जिस तरीके से हमें मालूम है कि हमारे लिरिसिस्ट हैं वो सीनियर लिरिसिस्ट समीर जी, उनको लंदन में किसी ने बोला कि अरे आपने 5,000 गाने लिखे हैं, आपके तो खुद के आइलैंड्स और प्राइवेट जेट्स होने चाहिए, जो होने चाहिए एक्चुअली जो हैं, जो पैसा जनरेट जहाँ भी हुआ होगा वो उनको अगर सही मायने में मिलता उनके हक का तो आज होते, वो बढ़ गया पब्लिक में वो पैसा उनके हक का। वही हॉलीवुड में यही है कि मतलब हर सिंगर की रॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी की बात नहीं है, पायरेसी उससे भी ऊपर, रॉयल्टी तो बहुत छोटी होती है। अब आप हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने बेबी डॉल चीटियां कलाई यहाँ पे इतना डांस किया है, अब उसका एक्चुअली एंटरटेनमेंट फी होता नहीं है, आप फिल्म देखने जाते हैं पैसे देते हैं, खाना खाने जाते हैं पैसे देते हैं, मेला देखने जाते हैं पैसे देते हैं, तो म्यूज़िक को पैसे क्यों नहीं दे रहे, तो म्यूज़िक को पैसे नहीं देते क्योंकि सब डाउनलोड करके फ्री में सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आपने उसका सही पैसा दिया होता, अगर जितना आप लोगों ने पूरी दुनिया ने उन गानों को एंजॉय किया तो एक गाने से आइलैंड बन जाते हैं। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जहाँ तो मुझे हमें इंडस्ट्री में लोगों ने बताया कि बेबी डॉल जैसे गाने ने उसकी वैल्यूएशन आज के डेट में 300 करोड़ रुपए है, 300 करोड़ एक गाने की, कि वर्ल्ड ओवर बजाए वो रिंगटोन्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, इवेंट्स में, घर में, लोगों के बाथरूम में, तो हर जगह। जैसे आप अगर आपका कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है तो उसके पैसे देने पड़ते हैं ना, आपने माइक भी खरीदा है तो उसके पैसे देने पड़े होंगे आपको, वैसे ही हमारा गाना अगर कोई यूज़ करता है उसके पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अगर पब्लिक फ्री में सुन रही है तो उसकी जो वैल्यूएशन है बेबी डॉल और चिटियां का लियाँ की वो 600 करोड़ एक साथ मिला के, तो आप सोचो एक गाने का अगर 300 करोड़ का वैल्यूएशन है तो कितना पैसा मिलना चाहिए जो कि फ्री में बट रहा है, और फ्री में क्यों बटे, फ्री में कुछ भी नहीं बटता। गणपति का दिन है और इको फ्रेंडली गणपति में आपका क्या विश्वास है और अपने दर्शकों को इको फ्रेंडली के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए इको फ्रेंडली से ऊपर कुछ नहीं है, इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी जो भी काम करें भगवान को भी लाएं तो उस तरीके से लेके आएँ कि नेचर को हार्म नहीं हो, क्योंकि नेचर को हम जिस तरीके से हार्म कर रहे हैं उसमें आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों के ऊपर बहुत कलामिटीज़ आने वाली हैं, ऑलरेडी आ रही है, हमें केरला में जो हुआ ये सब जो इतने सालों से हम एब्यूज़ कर रहे हैं नेचर को, उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं कि जो पूरा एक इकोलॉजिकल सिस्टम होता है बिगड़ जाता है। तो इको गणपति इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि जब इनको जब बहाया जाता है तो वो जो मटेरियल अगर गलत मटेरियल से बनता है तो वो गंदगी पैदा करता है पानी के अंदर, उससे और पॉल्यूशन और वो बहुत ज़्यादा चोकिंग होती है, तो इको फ्रेंडली ऐसे होते हैं कि वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग सोचते नहीं हैं बट ये सोचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने काफ़ी सालों से ये इको फ्रेंडली लाने शुरू किए थे। सिर्फ यही नहीं, हम हर चीज़ में कोशिश करते हैं, प्लास्टिक बैग्स हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम क्योंकि हमारे बच्चे हैं और हम सीधा उनकी शक्ल देखते हैं तो हमको लगता है यार इनको अपना फ्यूचर क्या मिलने वाला है आगे, जब नेचर ऐसे ही उछाल कभी अर्थक्वेक होंगे तो कभी सुनामी आएंगे तो ये धन दौलत किस काम की। थैंक यू सो मच एंड गणपति बप्पा मोरया।